तो पहलवान अकेले योगेश्वर दत्त नहीं है, बल्कि और भी हैं जो कि अपनी राजनीतिक पारी का आगाज बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी कुछ खास नहीं मिल पाई। एक बार फिर से मौका चाहते हैं। अब बात बीजेपी के एक और नेता बबीता फोगाट की, जिन्होंने खुद ही दावेदारी ठोक दी है। यहाँ तो बिप्लब देव संकेत दे रहे थे, लेकिन बबीता फोगाट भी चाहती है कि कोई उनके नाम का भी संकेत दे दे। एक बार फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए नजर आई बबीता फोगाट। हर दिन वो कहती है कि लोकसभा चुनाव लड़वा दो या विधानसभा चुनाव लड़वा दो, लेकिन चुनाव लड़वा दो ये इच्छा जताई उन्होंने। पहले भी दादरी से पार्टी ने चुनाव लड़वाया है, बबीता फोगाट ने बात कही है और वो लड़ी भी है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब फिर से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश उनकी भी है। बबीता फोगाट को टिकट मिलती है नहीं मिलती है, मान सम्मान पार्टी दे रही है ये तो वो कहती हैं, लेकिन सवाल वही है टिकट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वो तो पार्टी को नेतृत्व को तय करना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। हम अपने जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर 2019 का चुनाव लड़ा है, तो चरखी दादरी की जनता की हमें सेवा करनी है और पार्टी जो नेतृत्व जो तय करेगा हम उसके पार्टी का निर्णय को सर्वोपरि मानते हुए उसके ऊपर हम काम करेंगे।